एम आई ऑडिबल गाइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेट मी चेक, एम आई ऑडिबल गाइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? लेट मी चेक। चलिए गाइस, आज मैं एक बिल्कुल नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एज आई ऑलरेडी कमिटेड यू कि हम लोग इसे इंटरव्यू बेस्ड लेके चलेंगे, राइट? ये हमारा डे टू है। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे इस टाइम को बेसिकली मैं 8 बजे का कर लूंगा, क्योंकि मैं कोचिंग से मतलब बहुत जल्दी कभी कभी जाम में फंस जाता हूँ। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं। इसी में आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। वन इज द डेटा टाइप और सेकंड वन इज द मेन मेथड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी हम लोग नॉर्मली अभी बेसिक्स पर वर्क करेंगे, राइट? किस पर वर्क करना है हमें? बेसिक्स पर वर्क करना है। मैं 1 सेकंड के लिए पेन और ऐड कर लेता हूं, सो मैं आपको चीजें डिक्टेट कर पाऊं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये अज्यूम किया जा रहा है आपसे कि आपको जावा के बेसिक्स आते हैं, इसीलिए ये चीज क्वेश्चन वाले मोड में होगी ज्यादातर, राइट? सो आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एक्चुअली आपकी चैट ओपन कर लेता हूं, 1 सेकंड। हे अभिषेक, रघुवंशी, विकास भाई, आदेश कुमार दुबे, गुड इवनिंग ऑल। अब आप मेरे क्वेश्चंस के मेरे साथ साथ आपको जवाब देने, राइट? इस क्लास को भी आप एक तरफा मत रहने देना। चलिए, सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट आर दी वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा? वो कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? मैं यहां पर अभी आपसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूं, राइट? आदेश, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है आपसे कि व्हाट आर दी वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो मैं आपको थोड़ा सा जावा में बता दूं, थोड़ी सी आपको पहले इसकी बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। इन जावा डेटा टाइप इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और सेकंड वन इज नोन एज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट मेरा सवाल ये नहीं था। मुझे शायद आदेश ने कुछ आंसर दिया है, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, बुलियन। आदेश, ये 8 डेटा टाइप होते हैं, राइट? गुड इवनिंग शिवम, हर्षित भाई। बट प्रिमिटिव टाइप का एक नाम और होता है, विच इज नोन एज द वैल्यू टाइप, और नॉन प्रिमिटिव को हम लोग क्या कहते होंगे? रेफरेंस टाइप, रेफरेंस टाइप। बट मेरा सवाल क्या था? व्हाट आर दी वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? तो इफ आई से लाइक देयर आर 8 डेटा टाइप्स, कितने डेटा टाइप्स होते हैं बताएं? 8। कौन कौन से होते हैं? अभी आदेश ने बताया 4, तो
बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है और लॉन्ग होता है। बट आपको फ्लोट, डबल, केयर और बुलियन इनकी भी जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने यहां पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है, राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। सी, देयर आर एट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। पहला डेटा टाइप क्या है? बाइट है, और ये साइंड इंटीजर होता है गाइस। साइंड इंटीजर का मतलब जानते हैं आप कि इसमें जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में भी होती है और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में भी होती है। आप ये ध्यान रखना, ये 8 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और वन 8 बिट लाइक इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाइट। 8 बिट के अंदर कितने बाइट होते हैं ये तो सारे लोग जानते हैं ना, कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। बिट्स की भी एक फुल फॉर्म होती है, एवरीबडी नोज इट। बिट्स की क्या फुल फॉर्म होती है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। तो यहां पर मैंने दोनों टर्म लिखे हुए विकास, 8 बिट भी कह सकते हो और 1 बाइट भी कह सकते हो। इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है माइनस में 128 है, और प्लस में कितनी है? 127। यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं, जो पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से शुरू होती है। इसीलिए आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, इसीलिए यहां पर ये 127 है, क्योंकि पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी, तो एक लेस देन हो जाएगा ना, माइनस में वो वैल्यू कितनी है? 128 है। ऐसे ही ये सॉर्ट होता है, राइट। सॉर्ट डेटा टाइप कितने बिट ले रहा होगा बताओ? 16 बिट। साइंड इंटीजर से आप बस यही समझेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव में भी होगी और पॉजिटिव में भी होगी, दोनों जगह पर आता है, राइट। सो शॉर्ट कितना लेता है? 16 बिट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 16 बिट में कितने बाइट होंगे बताओ? 2 बाइट होंगे। और इसकी जो रेंज होती है, विच इज व्हाट? 32768, और प्लस में ये कितनी होगी? 32767। आपने अगेन फिर देखा, पॉजिटिव में एक वैल्यू कम है, पॉजिटिव में एक वैल्यू कम है। व्हाई इट इज लेस देन? बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट विद 0। जो पॉजिटिव की जो वैल्यू है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। वैसे मैं आपको बता दूं, बोथ बाइट एंड शॉर्ट आर यूजफुल फॉर सेविंग द मेमोरी। हमारी आदत क्या होती है, मैंने ये नोटिस किया है, मैं दिन भर स्टूडेंट्स में ही रहता हूं, हमारी आदत क्या होती है बताएं? कि हम ज्यादातर इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं, और आपको ये पता है कि जो इंट डेटा टाइप होता है वो हमारा 4 बाइट लेता है, और हमारा जो मैक्सिमम टास्क है वो बेसिकली बाइट और शॉर्ट से भी तो हो सकता है ना। शॉर्ट की रेंज तो अच्छी खासी है। तो नॉर्मली इनसे क्या होगा, अगर आप इन डेटा टाइप्स का फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी को तो बचाएंगे ही बचाएंगे। तो अभी तक 2 डेटा टाइप कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, वाइट हो चुका है और सॉल्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा और आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। इंटीजर की फैमिली में 4 डेटा टाइप थे ना, बाइट, सॉर्ट, और 2 में आपको और बताने वाला हूं। थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज इंट। थोड़ा जल्दी से डिस्कस करेंगे। 32 बिट लेता है, 32 बिट इज इक्वल टू 4 बाइट। अब देखिए, इसकी रेंज को सरप्राइजिंगली हमने अलग तरीके से लिखा। आपको यह पता है कि इंट कितने बिट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? 32 बिट। तो इसकी रेंज को हमने डिजिट की फॉर्म में नहीं लिखा, राइट। इसकी जो रेंज है ना वो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म होती है गाइस? एक्सपोनेंशियल। यू कैन से लाइक एक्सपोनेंशियल एंड मेंटिसा। तो यहां पर आपको जो रेंज दिखाई दे रही होगी, रेंज ऑफ व्हाट? इंटीजर। उसका एक फॉर्मूला है, -2 की पावर बिट्स -1 टू 2 की पावर बिट्स -1 और -1। इस -1 का मतलब आप जानते हो विकास,
कि पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट विद जीरो, दैट इज व्हाई वी डू माइनस वन। आपको ये पता है ना इंटीजर कितने बिट मेमोरी ले रहा था? 32 बिट। यहां पे लिखा है मैंने, कोई बता सकता है मुझे आप में से? आप अभी इसे लाइव देख रहे हैं, अभी आप बताइए, अगर कोई इसकी रिकॉर्डिंग भी देखे तो मुझे आप ये बताइए, इस फॉर्मूले में यहां पे देख रहे हैं आप 2 की पावर 31 है, हालांकि इसने फॉर्मूला ही फॉलो किया है, 32 ऑक्यूपाई कर रहा, माइनस वन हो गया तो 31 हो गया, बट आखिर में इसका रीजन क्या है? हम एक बिट माइनस करके क्यों रखते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, मैं चैट देख रहा हूं आपकी मोबाइल में, मैं आपकी चैट देख रहा हूं। तो अगर आप इसका ये कह रहे हैं कि जो ये बिट होती है ना, ये आदेश ने बताया, आदेश यू आर ऑसम, मैं यहां पर बताना चाहूंगा, दिस वन बिट इज रिजर्व फॉर साइन। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज आप अपने किसी ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं, अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो तो। अगर आपको लगता है कि इसकी वर्थ है, बट इसके लिए समझने के लिए जावा पहले से आनी चाहिए भाई, बिकॉज लाइक इट इज अ इंटरव्यू बैच, राइट? इसमें मैं नॉर्मली क्वेश्चन मोड में आपको पढ़ा रहा हूं। आदेश यू आर करेक्ट, साइन के लिए होता है। तो आप बता सकते हैं दिस वन बिट इज रिजर्व फॉर व्हाट? साइन। आप सारे लोग कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, आप ये जानते हैं कि जो पहली बिट होती है वो 0 या 1 होगी, और वो साइन का मतलब बता दी, 0 मीन्स पॉजिटिव और 1 मीन्स व्हाट? 1 मीन्स व्हाट? नेगेटिव गाइस। सो दैट्स ऑल। एक और डेटा टाइप हमारे पास होता है विच इज नोन एज लॉन्ग। लॉन्ग एक डेटा टाइप है गाइस, ये कितने बिट मेमोरी ले रहा है बताए? 64 बिट। देखिए मुझसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहां पे, लेट मी करेक्ट इट, मैं आई लगाना भूल गया हूं। 64 बिट इंटीजर, राइट? और ये साइंड इंटीजर लिखे हैं, इसके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? साइंड। ये 64 बिट लेता है, और इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, राइट? क्योंकि 64 है ना, तो -2 की पावर 63, जैसा कि अभी आदेश का मैं चैट देख रहा हूं, तो 2 की पावर 63 -1। आई होप ये फंडा आपको समझ में आ रहा होगा, बट मैंने अभी तक आपको 4 डेटा टाइप बता दिए, एक बाइट बताया, शॉर्ट बताया, इंट बताया और लॉन्ग बताया। इसमें हमेशा एक होल नंबर आता है। कैसा नंबर आता है? होल नंबर, यानी कि इसमें आप दशमलव टाइप की वैल्यू नहीं लेके आ सकते, इसमें कोई फ्रैक्शनल डिजिट आपका नहीं हो सकता। और अगर आपको फ्रैक्शनल डिजिट चाहिए, अगर आप एक फ्रैक्शनल डिजिट चाहते हैं, तो आपको फिर ये डेटा टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन से डेटा टाइप होते हैं भैया? एक हमारा होता है फ्लोट और एक हमारा होता है डबल। ये 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट है और ये 64 बिट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखना, जावा बिलीव इन एक्यूरेसी, दैट इज वाई ऑल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऑलवेज कम्स इन डबल डेटा टाइप बाई डिफॉल्ट। अगर आप कुछ भी नहीं बताएंगे ना, तो वो बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है ना, बाई डिफॉल्ट वो बेसिकली डबल में आती है। किस में आती है? डबल में। तो अगर किसी ने ऐसा लिख दिया ना, लाइक लेट लेट मी राइट वन थिंग, मैं आपसे पूछूंगा ये लाइन सही है या नहीं है। मैंने कहा फ्लोट वेयर इज इक्वल टू 2.6, बताइए ये लाइन सही है या इसमें कोई एरर आएगी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। मैं जूम से कनेक्टेड हूं आपसे, तो आप थोड़े से मुझसे लेट होंगे, तो आप ये आंसर अब मुझे बताएं। तो यहां पर
इसमें सीटी ही आएगी गाइस, क्या आएगा? सीटी। सीटी का मतलब जानते हैं आप, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये वैल्यू है ना, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो बेसिकली किस में होगी? डबल में होगी। और मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई बड़ा आदमी कभी किसी छोटे आदमी के घर नहीं जाता है, क्योंकि ये वैल्यू तो डबल में। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों को कमेंट में देख रहा हूं, वो इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं मुझे। एफ भी लगा सकते हैं, या फिर एक देसी तरीका होता है पुराने जमाने का, आप यहां पे कास्ट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते थे। किसका यूज कर सकते हैं आप? कास्ट ऑपरेटर का। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जस्ट टाइप BIO इन द चैट बॉक्स, राइट? आप BIO टाइप करिए, ब्रिंग इट ऑन। जावा के बारे में लोग क्या कहते हैं, हर्षित भाई बताए कि जावा एक प्योरली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। बट आपको बताऊं, समटाइम्स जावा इज नॉट केस सेंसिटिव। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब जावा केस सेंसिटिव नहीं होती। भाई आप इस छोटे एफ की जगह पर कैपिटल वाला एफ भी लगा सकते हैं। लेट मी डू इट टू प्रूव यू कि समटाइम्स जावा इज नॉट केस सेंसिटिव। लेट मी स्टार्ट एक्लिप्स, राइट? लेट मी स्टार्ट एक्लिप्स। मैंने आपके लिए एक अलग से वर्क स्पेस बना रखा है, डेली जावा इंटरव्यू प्रैक्टिस। लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सी, आप यहां से ये सारी चीजें हटाइए। अभी मैं यही तो लिख रहा था, फ्लोट वेयर इज इक्वल टू 2.6। जो बच्चा सी की गलियों से आता है ना, जो बच्चा सी की गलियों से आता है वो गारंटीड इसको सही बताएगा, राइट? बट ये चीज गलत है। सीटी स्टैंड फॉर कंपाइल टाइम एरर गाइज, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या है बताया तुम्हें? फ्लोट वेयर इज इक्वल टू 2.6, आप स्मॉल एफ भी लगा सकते हैं, देन यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ इट। जस्ट रन इट गाइज, आप इसे रन भी करा सकते, राइट? आप देख पा रहे हैं द आंसर इज व्हाट? 2.6। अभी अभी, यस सौरभ, अभी अभी मैंने ये बताया कि समटाइम्स जावा इज नॉट केस सेंसिटिव। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब ये जावा केस सेंसिटिव नहीं होती है। तो आप इसे स्मॉल एफ की जगह क्या लगा सकते हो? आप कैपिटल एफ का यूज कर सकते हैं। सी, कैपिटल एफ, आई एम जस्ट प्रूविंग यू कि समटाइम्स जावा इज नॉट केस सेंसिटिव एंड इट इज वर्किंग फाइन। सी, 2.6। तो अभी मैं ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूं इसमें, तो आप बस इतना समझे, फ्लोट एंड डबल आर दी यूज्ड फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशन नॉर्मली, जहां पर के डेसिमल वाली वैल्यूज की भी एक इंपॉर्टेंस होती है। दो डेटा टाइप और होते हैं गाइज हमारे पास, दो डेटा टाइप हमारे पास और हैं, वो कौन कौन से बताए? वन इज द बुलियन। बुलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट ओनली वन बिट, ये बस एक बिट लेता है, और इसकी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। या तो इंसान यस करेगा या नो करेगा। सी में नहीं होती थी भाई, सी में लोग काम चलाया करते थे। जीरो का मतलब फॉल्स होता है, नॉन जीरो का मतलब ट्रू होता है। ये कुछ कहानी मैंने आपको बताई। कैर कैर जो डेटा टाइप होता है वो 16 बिट का होता है। यहां पे 16 बिट मीन्स जो कैर होगा वो यहां पर 2 बाइट लेगा, और ये यूनिकोड करेक्टर है। यूनिकोड का मतलब ये नहीं कि इसमें दो चार करेक्टर आ जाएंगे, करेक्टर एक ही होगा बट वो यूनिकोड में इंग्लिश के अलावा भी कुछ लेटर्स को वो ले लेता है, राइट? और ये वैल्यू, करेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल कोट्स में होती है। सो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सी जानकारी दी है। मैं अभी इसको लाइक टॉपिक को डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं। आज मेरा सवाल था, व्हाट आर दी
वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। तो इसमें बस आपको दो ही टर्म याद रखने हैं, पहला टर्म के एट होते हैं, उसमें से इंटीजर फैमिली के चार बताए मैंने आपको, उसके अलावा दो फ्लोटिंग पॉइंट बताए, एक बुलियन बताया, और एक आपका कैर बताया। थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं आपको मैं, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मोबाइल वोबाइल पे थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद, और लेट मी मैक्सिमाइज इट। सी आई होप अभी दिख रहा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड फ्लोट वेरिएबल? आखिर में इन दोनों में क्या अंतर है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोट एंड डबल? मेरी समझ में तो आप बस एक ही डिफरेंस याद रखिए इनमें, मैं बता देता हूं इसको थोड़ा सा। लेट मी राइट डाउन हियर व्हाट इज द डिफरेंस राइट। तो मैं बताना चाहूंगा, फ्लोट टेक्स 4 bytes इन मेमोरी, वेयर एज डबल टेक्स 8 bytes इन मेमोरी। एक तो मेमोरी का चक्कर होता है, तो इसका मतलब प्रिसीशन में भी डिफरेंस होगा इनकी में। किसमें डिफरेंस होगा? प्रिसीशन, यानी कि मोटे तौर पे आप ये समझो कि अगर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो डबल का यूज करना चाहिए। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, फ्लोट इज, देखिए जावा केस सेंसिटिव है तो एफ छोटा ही रखना, फ्लोट इज लाइक सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल इज डबल प्रिसीशन, मतलब एक्यूरेसी, डबल चेक की बात समझ लीजिए, प्रिसीशन डेसिमल नंबर। तो सिंपल सी बात है भैया, अगर आप मेमोरी बचाना चाहते हैं, अगर आप मेमोरी बताना चाहते हैं तो आपको फ्लोट का यूज करना चाहिए, और अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको मेरी समझ में डबल का यूज करना चाहिए। सो आई होप क्वेश्चन इज वेरी इजी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंप्लिसिट कन्वर्जन इन जावा। पहले नंबर तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर बाद में देखते तो पहले वीडियो को पॉज कर और अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मुझे ये चीज आती है, कि व्हाट इज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। सो मैं थोड़ा सा इसे बताना चाहूंगा, एक टर्म आपने शायद कभी सुना हो, कास्टिंग। कास्टिंग इज द कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू एनदर। कास्टिंग एक कन्वर्जन है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप का, राइट, फ्रॉम वन डेटा टाइप टू एनदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन इट इज कैटेगराइज्ड, इट इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। व्हाट आर दोज कैटेगरीज गाइस? नंबर वन, इंप्लिसिट कन्वर्जन, एंड सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। दो ही तरह के तो कन्वर्जन होते हैं, वन इज नोन एज द इम्प्लिसिट और सेकेंड वन इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सो गाइज,
व्हेन वी असाइन दी लोअर डेटा टाइप वैल्यू, लोअर डेटा टाइप वैल्यू टू द हायर डेटा टाइप वेरिएबल, व्हेन वी असाइन द लोअर डेटा टाइप वैल्यू टू द हायर डेटा टाइप वेरिएबल, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, वेयर एज व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट फ्रॉम हायर टू लोअर फोर्सिबली, फोर्सिबली देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन गाइड्स। उस कन्वर्जन को कौन सा कन्वर्जन कहते होंगे? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, जहां पर जबरदस्ती करनी पड़े। तो मैं तो दो ही शब्द जानता हूं, लोअर टू हायर जो होता है वो इंप्लिसिट होता है, और अभी फिलहाल बात भी उसी की कर रहा था ये। तो जैसे सबसे छोटा कौन होता है? बाइट होता है। बाइट की वैल्यू किस में जाती होगी? हमारी सॉर्ट में जाती होगी। सॉर्ट की वैल्यू इंट में चली जाती है। सॉर्ट की जो वैल्यू है वो किस में चली जाती है? इंट में चली जाती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो कैर है ना कैर, ये भी इंटरनली किसके अंदर चला जाता है बेटा? इंटीजर के अंदर। ये बात समझ, लोअर टू हायर लिख रहा हूं मैं, राइट? क्या लिख रहा हूं? लोअर टू हायर। अब आप यहां पे आइए और अगर यहां से देखेंगे तो इंट की वैल्यू किस में जा रही होगी? लॉन्ग में। लॉन्ग से हम लोग कहां जा रहे होंगे बताइए? फ्लोट में। और फ्लोट की वैल्यू को हम कहां लेके चले जाएंगे? डबल में लेके चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? आर यू गेटिंग इट? ये पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई है ना, दिस वन, ये सारा किससे रिलेटेड है गाइस? दिस इज ऑल रिलेटेड विद व्हाट? इम्प्लीसिट कन्वर्जन। इसे हम क्या कहेंगे? ये इम्प्लीसिट कन्वर्जन है, लोअर टू हायर जा रहे हैं इसके अंदर, राइट? आपने एक चीज नोटिस की, आपने इसमें एक चीज नोटिस की कि इसमें कहीं पर भी बुलियन नहीं है। बुलियन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कन्वर्जन एंड कास्टिंग। वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है, न उसकी वैल्यू को आप किसी को असाइन करा सकते हैं और ना ही किसी दूसरी इंटीजर वगैरह की जो वैल्यू है उसे बुलियन डेटा टाइप को असाइन करा सकते हैं। सो मैं फिर से क्वेश्चन पे लौट के आता हूं, राइट? ये रिकॉर्डिंग पॉज वॉज करके आप देखते ना, व्हाट इज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो वो मैं आपको बता चुका हूं, जब लोअर की वैल्यू को हायर को असाइन कराते होंगे तो उसे बेसिकली हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते होंगे। जैसे मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस कर सकता हूं आपसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा इंट ए इज इक्वल टू 50, और यहां पे मैंने क्या लिखा लॉन्ग बी इज इक्वल टू ए। तो जो ये वाली जो लाइन है ना, दिस वन, इसको बेसिकली हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहेंगे हमेशा। ये बात तो आपको जानते हैं, प्लीज ये मैं बार बार आपसे कहूंगा, ये अजम्पशन की जा रही है कि आपको जावा का बेसिक पहले से आता है, नहीं तो ये बाउंसर चला जाएगा, राइट? देख रही है, इंटीजर जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो राइट की वैल्यू लेफ्ट में आती है, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। सो अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुस रहा हूं, आप मुझसे कोई सवाल करिए प्लीज। हे कार्तिक, गुड इवनिंग, आस्क एनीथिंग, बट अभी आप टॉपिक से डेविएट मत होना, राइट? अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में तो आप मुझसे बाद में भी सवाल कर सकते हैं, राइट? सी, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज करा लेता हूं, इससे आपको दिखे ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक एनी वेरिएबल कॉन्स्टेंट। बट एक एक सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। मैं इस पे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा इंट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10। बाइट बी इज इक्वल टू 2। कैर सी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में 8। डबल डी इज इक्वल टू 2.4। नाउ लेट्स एड दीज वैल्यूज, राइट? आप इन वैल्यूज को एड करिए, राइट? मैंने क्या लिखा बेटा बताएं? सिस आउट। आपने क्या लिखा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। प्लीज आप इसका ड्राई रन करके बताना, राइट? इसका ड्राई रन करके बताना, व्हाट इज द आंसर? कोई इसका आंसर बता सकता? मैं सौरभ आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, राइट? अभी दे रहा हूं। इसे बिना एग्जीक्यूट करके आप चलाइए, राइट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। अब आप इसे देखो, जैसे 10 हुआ प्लस 2। ध्यान रखना, आदेश ने कुछ आंसर लिखा हुआ, डिलीट मत करना फिर इसे। 10 और 2 12 हो गए प्लस। ध्यान रखना, जब अलग अलग डेटा टाइप को हम किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं बेसिकली, तो आंसर हमेशा हायर डेटा टाइप में आता है। अगर आपने यहां पर ए लिखा है ना, तो मेरा मानना यह 65 हो गया होगा। ये इसका यूनिकोड हुआ, एस्काई कोड हुआ इनफैक्ट, राइट? प्लस 2.4। तो मेरी तो मैथ कमजोर है। 10 60 में 60 70 हुआ, 75 77 77 और 2 ये जुड़ गए 79 ना, 79.4 आंसर आना चाहिए ना। लेट मी चेक, मैंने भी नहीं देखा इसे। ओके, सो व्हाट इज द आंसर गाइस? 79.4। ये अर्षित भाई आपका 111 है। अब इसमें क्या सीखा? ये इम्प्लीसिट कन्वर्जन है, राइट? सुबोध यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं, ये सरप्राइजिंगली ये किस में कन्वर्ट हो गया? 65 में, बिकॉज ऑफ व्हाट? इम्प्लीसिट कन्वर्जन, इम्प्लीसिट कन्वर्जन। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसमें अलग अलग अगर डेटा टाइप है, तो आंसर हमेशा हायर डेटा टाइप के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? हायर डेटा टाइप के अंदर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट? सो आगे चलते हैं गाइस, धीमे धीमे थोड़ा सा। मैं हर चीज को इंप्लीमेंट कराने की भी कोशिश कर रहा हूं, राइट? अगला सवाल क्या था? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ टू मेक एनी वेरिएबल कॉन्स्टेंट सो दैट इट कैन नॉट गेट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। सिंपल इसका आंसर है, वेरिएबल से पहले आप बस फाइनल लगा देना, राइट? फाइनल ये कहता है, ओके, हर्षित आपने फिर उसे 97 समझ लिया होगा, राइट? यस, फाइनल। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं अभी इसमें, राइट? क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम 30 मिनट के लिए ही आया करेंगे। अभी मैं इसको 8 बजे से कर लूंगा। एक्चुअली मुझे अपने बेटे के साथ जाना पड़ता है क्रिकेट के लिए, सो भागना पड़ता है यहां से डायरेक्ट। सी, व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? आप सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू लिख सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। सवाल क्या है भाई?
व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफॉल्ट वैल्यू. सो व्हाट यू कैन पुट व्हेन वी डू नॉट असाइन एनी वैल्यू दैट टाइम. Variable gets the default value. So if I talk about byte, comma sort, comma int and long. So इनकी जो default value होती है which is what? Zero. इनकी जो default value होती है which is what? Zero. कई सारी जगह पे लॉन्ग के लिए जीरो एल लिख देते हैं, बट व्हाट आई फील उसकी जरूरत नहीं है. ऐसे ही एक डेटा टाइप है कैर करके. करेक्टर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो सिंगल कोट्स में स्लैश यू और 4 टाइम 0, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू गाइज, राइट? ये उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है. अगर मैं आपसे फ्लोट की बात करूं तो अलग से बस एफ लगा देता हूं, राइट? वैसे नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. ऐसे ही हमारे पास कौन होता है बताओ, लेट्स से डबल होता है. डबल और इसका भी क्या होता है, 0.0 और डी, दिस वन. बुलियन का क्या होता है भाई बताइए. बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है विच इज व्हाट? फॉल्स. बट लगे हाथ मैं आपको यह भी बता देता हूं, एंड इफ आई टॉक अबाउट रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप दैट डिफॉल्ट वैल्यू इज, वैल्यू इज नल. उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती होगी बेटा? नल होती होगी. सो ये कर सकते हैं आप लोग, राइट? और भी कुछ पॉइंट्स थे इसमें. अगला पॉइंट, लेट मी मैक्सिमाइज इट अ बिट. सी, दिस इज अ क्वेश्चन गाइज. यस, स्लैश यू 4 टाइम F, स्लैश यू 4 टाइम F. सौरभ, मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाया, आई फॉरगेट दैट. एक्चुअली आपने एक सवाल किया था कि लॉन्ग 8 बाइट लेता है. लॉन्ग जो है, मैं वो बता देता हूं एक सेकेंड. लॉन्ग हमारा कितना लेता है? 8 बाइट. और जो फ्लोट होता है वो हमारा कितना लेता है? 4 बाइट. बट उसके बावजूद भी लॉन्ग की वैल्यू फ्लोट को चली जाती है, और इससे हम लोग क्या कहते हैं बताएं? इम्प्लिसिट कन्वर्जन. इससे हम लोग क्या कहते होंगे? इम्प्लिसिट कन्वर्जन. हाउ? आदेश. क्या आंसर है आपका? 64 बिट का डेटा को हम लोग कितने बिट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? 32 बिट में. तो इसका बस एक ही जवाब समझना. आर्टिकल्स में मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि ये डेटा एक तो कंप्रेस्ड फॉर्म में जाता है, एक्सपोनेंशियल एंड मेंटिसा फॉर्म, और कुछ जगह पर छोटे बड़े का क्राइटेरिया साइज होता है जो यहां पे नहीं है, और कुछ जगह पर जो क्राइटेरिया होता है ना वो रेंज होती है. तो आप ऐसे समझ लो कि लॉन्ग के अंदर हम फ्रैक्शनल डिजिट नहीं रख सकते, यानी कि इसमें हमेशा हमारा होल नंबर होता है. और जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसमें हम दशमलव के बाद भी वैल्यू रख लेते हैं, राइट? उसमें हम लोग
दशमलव के बाद भी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये कुछ एक बात आपको समझानी थी, आई होप सौरभ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यस सौरभ यू आर करेक्ट, स्लैश यू और 4 टाइम F होता है, राइट। तो बेसिकली आज का टाइम खत्म हो गया गाइस, मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इसका कोई नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। आप मुझे कल याद दिलाना कि मुझे जो आपको पढ़ाना है ना वो कहां से पढ़ाना है, व्हाट आर दी रैपर क्लासेस अवेलेबल फॉर द लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरा था हाउ प्रिमिटिव वेरिएबल पास्ट, ये एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देर इज वन मोर क्वेश्चन, हाउ प्रिमिटिव वेरिएबल पास्ट टू द मेथड्स, हम एक प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से इसमें पास कर पाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप इसमें और क्या फीडबैक देना चाहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं इससे और आपको फायदा हो, ये आप मुझे प्लीज बताइए। अगर आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज अगर कर रहा है तो प्लीज डू शेयर इट एंड लाइक, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलूंगा।